एसआरओ है 229 जो 2019 जब पे ग्रेड हो गया था सिक्सटी पे का, रियासती पुलिस का एक ग्रेड था जिसमें कुछ सिलेक्शन ग्रेड, कुछ लीडिंग फायर में हेड कांस्टेबल कहिए आप और एएसआई थे जो फायर सर्विस में सब अफसर के नाम से जाने जाते हैं, उस ग्रेड को उन्होंने उस समय 4500 के ग्रेड पे ले जाना था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उसको डिग्रेड कर दिया 2006 से लेकर के उसके बाद 2014 में तब की नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत ने इन सर्विस वालों के लिए उसको वाबजार कर दिया, लेकिन 2014 से पहले जो रिटायर हो गए थे उनके हक में उसको वाबजार नहीं किया। बाद में 2018 में फायर सर्विस को भी वो ग्रेड दिया गया, लेकिन जो इन सर्विस वाले उनको दिया गया। हम क्या डिमांड करते हैं? हमारी वही डिमांड रही है पिछले इतने सालों से कि वो ग्रेड जो है वो हमें भी दे दिया जाए। हम पेंशनर्स हैं, बुजुर्ग लोग हैं ये सारे जिन्होंने बैलेट फोर्स में अपनी जवानी के दिन दिए हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि रियासती सरकार सबों के मसाइल हल करते हैं लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस और इसकी विंगों की तरफ इनका ध्यान नहीं जाता है। हालांकि हर कोई हुकूमत तब चलती है जब पुलिस होती है, बैलेट फोर्सेस होते हैं, लेकिन हमेशा हमारे साथ वही सटेलापन किया गया, अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया हमारे इस मसले के लिए। अब हम पिछली बार अनुराग जी से मिले थे जो यहाँ आए थे डीडीसी इलेक्शन में, तो अजीत सिंह साहब की सदारत में अब उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कि इनके इस ग्रेड की तरफ ध्यान दिया जाए और इनका हक इन्हें दिया जाए, और उम्मीद है शायद अब शायद हमारे मसला हल हो जाए। हमारी मांगे पूरी करो, लेके रहेंगे अपना हक।